शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, बोले महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले गए पीएम मोदी और अमित शाह। महाराष्ट्र महायुति में नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव, एनसीपी अजित गुट ने दिया टिकट, भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। महाराष्ट्र में टिकट कटने से नाराज पालघर के शिवसेना शिंदे गुट विधायक श्रीनिवास वंगा, दो दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। 5 राज्यों का दौरा करेगी वक्फ बिल कमेटी, समय पर रिपोर्ट आए इसलिए ये फैसला, विंटर सेशन में पहले हफ्ते के आखिरी दिन देनी है रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, 20 नामों का किया ऐलान। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 6 नवंबर से प्रदेश में जातिगत और आर्थिक जनगणना कराएगी सरकार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की विफलताओं को गिनाया, महायुति गठबंधन को भ्रष्टा युति दिया करा। नीट पेपर लीक मामले में बनी कमेटी ने दिए पेपर को डिजिटली भेजने के सुझाव, ऑनलाइन एग्जाम कराने की कही बात। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और बोनस का ऐलान। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने जनता को दिलाया भरोसा, नगा एकीकरण के लिए विधायक जारी रखेंगे प्रयास। देश से लेकर दुनिया भर में दिवाली पर्व की धूम, न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार बंद रहेंगे स्कूल, 1 नवंबर को स्कूल में रहेगी छुट्टी। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर अमेरिका ने दी अहम प्रतिक्रिया, कहा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दिया बयान। चीन के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा ताइवान, अमेरिका से खरीदेगा 1000 अटैक ड्रोन, सितंबर के अंत में ताइवान ने इस सौदे पर कर दिए थे हस्ताक्षर। निज्जर मामले को लेकर ट्रूडो की सलाहकार का बड़ा खुलासा, बताया कनाडा ने ही निज्जर मामले से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया से की थी साझा, लेकिन इसके बारे में नहीं थी कनाडा सरकार को जानकारी। चीनी हैकर्स ने उड़ाई अमेरिकी अधिकारियों की नींद, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और दामाद के फोन डेटा को बनाया निशाना, हैकर्स के निशाने पर है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टी। सोने की ऊंची कीमतों का खरीदारी पर नहीं दिखा असर, खुदरा बाजारों में 60,000 करोड़ का हुआ कारोबार, सोने चांदी के अलावा वाहनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी खूब हुई बिक्री। तेल कंपनियों ने पंप डीलरों का कमीशन बढ़ाया, जीआरएसई को 491 करोड़ के रिसर्च पोत का मिला ऑर्डर, नई दरें 30 अक्टूबर से होंगी लागू। मुंबई टेस्ट में पहले दिन से स्पिनर्स का देखने को मिलेगा दबदबा, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए रैंक टर्नर पिच की मांग की, 1 नवंबर से होगा तीसरा मैच। सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की मांगी फिरौती। 59वें जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे शाहरुख, गेस्ट लिस्ट में शामिल 250 सेलेब्स, मन्नत में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करेंगे सेलिब्रेट।